मैंने 5 साल टिहरी विधानसभा का बेहतरी से काम किया है। मैंने जनता के हित के काम किए हैं, जनता में मैंने वो काम किया है जो मैंने जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे करना चाहिए था। और मुझे आज बात का अफसोस है कि मेरी पार्टी ने मेरे साथ धोखा दिया है। एक व्यक्ति ने मेरी पार्टी का टिकट, मेरा जो टिकट था उसको 10 करोड़ में खरीदा है, और इसलिए मैं क्षेत्र की भावनाएं बड़ी आहत हुई हैं। और मैंने आज निर्णय लिया है कि मैं जिस पार्टी में इस प्रकार से मेरा सम्मान गिराया गया है, मैंने आज कांग्रेस ज्वाइन किया और निश्चित रूप से टिहरी के विकास करने के लिए किया है। तो भाई साहब, क्या किशोर उपाध्याय ने 10 करोड़ दिए हैं बीजेपी को टिकट खरीदने के? निश्चित रूप से। तो थोड़ा बता दीजिए, क्या मतलब डिटेल बताओ, डिटेल क्या सौदा हुआ था, मतलब आपका कोई आरोप? ये सर्वविदित है कि एक व्यक्ति लास्ट दिन तक जो है पार्टी को धोखे में रखता है, और उसका कारण केवल और केवल पैसा है। और बड़ी डील हुई है, निश्चित रूप से जनता उस बात को जानती है, और अब जनता की अदालत में फैसला होगा कि जिन लोगों ने डील किया उनके साथ क्या सलूक होगा। यही बोला था कि उनकी माता जी के लिए जिस व्यक्ति ने बोला है या फिर जिस तरह से प्रधानमंत्री का आरोप लगाया, उसको अगर पार्टी सारी बात जनता देगी, सब जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, और हमने मीडिया के माध्यम से भी कहा है, वो बातें आज जग जाहिर है, उस बात का जवाब जनता देगी। टिहरी की जनता बहुत आहत है, उसका परिणाम में बदलने का काम करेगी। जिस रूप में ये टिहरी को विकसित करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि हमको एक बहुत अच्छा शिल्पी मिल गया है। तो टिहरी को जो हमारे सारे उत्तराखंड की आकांक्षा का केंद्र है, उसको ठीक रूप में ढालने का जिस रूप में हमने अभी तक टिहरी को आगे बढ़ाया, और मैं कांग्रेस परिवार में इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।